हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं एक उड़ीसा का पिठा रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही फेमस है। उसको उड़ीसा में बोलते हैं हल्दी पत्र पिठा, मीन्स टर्मरिक लीव्स का बना हुआ एक पिठा है। इसके लिए रात भर में चावल और बीरी को भिगो के रख दिए थे और सुबह उसको अच्छे तरह से धोकर उसका एक पेस्ट बना दिए थे। जब हम चावल और बीरी को ग्राइंड करेंगे तब हमें पानी ऐड नहीं करना है, पूरा हमें थिक सा पेस्ट एक चाहिए जिसके लिए वो पत्ते के ऊपर अच्छे से रह सकेगा। सो ये हो गया हमारा बैटर। उसके लिए हम जो ऊपर वाला जो मिक्सचर है उसको बनाते हैं। तो पहले नारियल को लेंगे, उसको ग्राइंड कर लेंगे या हाथ में ग्रेट कर लेंगे मशीन से। उसके बाद उसका कढ़ाई में डालकर उसमें आपका पसंदीदा चीनी या जैगरी पाउडर आप जो भी डाल सकते हो डालना है। उसे अच्छे से फ्राई करना है, उसके ऊपर थोड़ा नमक डालना है। लास्ट को हम ग्रीन कार्डमम को ग्राइंड करके या कूट कर उसका पाउडर डालना है उस स्मेल के लिए। और अब हो गया हमारा वो नारियल वाला मिक्सचर। तो टर्मरिक लीव जो होता है बहुत लंबा लंबा और बड़ा बड़ा साइज होता है, मैं पिक्चर दे रही हूँ आप देख सकते हो। उसका हम धोकर छोटा छोटा पीस करके कट करना है। उसके ऊपर चावल बीरी वाला का जो बैटर है उसका रखना है और तब उसके बीच में हम नारियल का जो मिक्सचर बनाए थे उसका रखकर मैं जैसे फोल्ड करके डाल रही हूँ वैसे फोल्ड करके हम उसको स्टीम करना है। आप स्टीमर में स्टीम कर सकते हो या इडली वाला जो स्टैंड होता है उसमें भी आप स्टीम कर सकते हो। ये पिठा उड़ीसा का एक कल्चर है, अष्टमी पूजा बोलते हैं उसको। उस पूजा में ये पिठा मेन इंग्रेडिएंट्स है। ये पिठा के बिना वो पूजा अधूरा ही रह जाएगा। ये पत्र में पिठा बनाने से बहुत सारा फायदा होता है। इसमें इम्यूनिटी बूस्ट होता है बॉडी में और सर्दी खांसी जुखाम से भी राहत मिलती है। इस बैटर और मिक्सचर जो नारियल का मिक्सचर बनाकर आप ऐसे इडली भी बना सकते हो। तो कैसा लगा मुझे बता।